अगले सप्ताह इंडोनेशिया में आयोजित होने वाले ऑटो कार्यक्रम GIIAS 2021 में हुंडई अपनी नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा SUV कार से पर्दा उठाने जा रही है। कंपनी साल 2022 में क्रेटा फेसलिफ्ट पद से आधिकारिक तौर पर 11 नवंबर को लॉन्च करेगी। इसके बाद इसे भारतीय बाजार समेत दूसरे बाजारों में लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर न्यू क्रेटा फेसलिफ्ट के बारे में पहले से ही आधिकारिक जानकारी का टीजर भी दिया है, जिसमें अपकमिंग इस कार के बारे में कुछ जानकारियां मिली हैं और इसके साथ ही एक ऑनलाइन फोटो भी लीक हुई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा के खास फीचर्स के बारे में, तो हुंडई इंडोनेशिया पहले ही नई क्रेटा SUV के बारे में जानकारी दे चुकी है। इसमें पैनोरमिक सनरूफ, प्रीमियम साउंड सिस्टम और साथ ही एडवांस फीचर से लेस 10.25 इंच का TFT LCD क्लस्टर के साथ आएगा। साथ ही इसमें एक कनेक्टिविटी का फीचर भी दिया गया है, जो यूजर्स को स्मार्टफोन के माध्यम से अपने वाहनों से कनेक्ट करने की सुविधा देगा। हुंडई की इस अपकमिंग कार के इंजन की बात करें, तो इसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ साथ 1.4 लीटर टर्बो इंजन के विकल्प को भी जारी रखा गया है। इंजन में 6 स्पीड मैनुअल या एक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा में और भी कई सारी खूबियां हैं, जिसमें भारतीय ऑटो बाजार में मौजूदा क्रेटा अधिकांश फीचर्स पहले से ही मौजूद हैं। हाल ही में ब्राजील में लॉन्च हुई क्रेटा फेसलिफ्ट में पेश की जा चुकी है। यह फीचर ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम से लेस है। इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ब्लाइंड सपोर्ट मॉनिटरिंग कैमरा डिस्प्ले है, जो विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों के साथ जोखिम भरे टकराव को लेकर संकेत भी देगा।